हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 10 जून 2020 और 10 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क खोला है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क खोला है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी ये पार्क उत्तराखंड ने खोला है, तो इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। क्या? उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। अभी ये पार्क उत्तराखंड ने खोला। तो मैप में देखते हैं उत्तराखंड को। ये है मैप में उत्तराखंड जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस कौन है? तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड ने अभी ग्रीष्मकालीन कैपिटल नहीं बनाई है, उसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड ने अभी ग्रीष्मकालीन कैपिटल अपनी बनाई है, उसका नाम है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ दिया है, जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। क्या है? हैली नेशनल पार्क है। और यहीं पर COVID-19 के लक्षण वाले जानवरों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। कौन? रामगंगा। और उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो अभी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत का स्थान 168 रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत तो 168 नंबर पे रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? तो फर्स्ट पे है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। और सेकंड पे है लक्समबर्ग। अब ये सूचकांक जारी किसने किया है? तो ये सूचकांक येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। कौन? येल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी USA की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब इसे मनाया क्यों जाता है? तो हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण के लिए ज़रूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? तो इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। अब इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार के विश्व महासागर दिवस की थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। क्या थी? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व रूसी भाषा दिवस मनाया गया और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में जारी SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो देखिए, हाल ही में जारी SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उसके एक साल के बाद यानी कि 1948 में इसकी बैंक की स्थापना हुई थी, और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, और इसके अनुसार पाकिस्तान की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो मैप में देखते हैं पाकिस्तान। ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के PM इमरान खान है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन? रेड क्लिफ रेखा। और सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद पाकिस्तान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश को। ये है मैप में आंध्र प्रदेश, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, और आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रा हैं। कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रा। और जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने ही शुरू की थी। इस योजना से स्टूडेंट को उन्हें उनकी फीस रिफंड की जाएगी। और निगाह ऐप और COVID-19 फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो अभी त्रिची जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। त्रिची जंक्शन, इसका पूरा नाम है तिरुचिपल्ली जंक्शन। क्या नाम है? तिरुचिपल्ली जंक्शन। अब बात आती है CII की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक हैं, और इसके उपाध्यक्ष संजीव बजाज हैं। कौन है? संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मोनिका कपिल मोहता, ये स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त की गई हैं। ये किनका स्थान लेंगी? तो ये लेंगी CV जॉर्ज का स्थान। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि CV जॉर्ज कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, और ये उनके स्थान पर स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बन गई हैं, मोनिका कपिल मोहता। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो राहुल श्रीवास्तव, ये रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, और गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं, और रवीश कुमार, ये फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अब बात आती है स्विट्जरलैंड की, तो मैप में देखते हैं स्विट्जरलैंड को। ये है मैप में स्विट्जरलैंड, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्निल है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रांक, और यहाँ के प्रेसिडेंट सिमुनेटा सोमारुगा है। कौन है? सिमुनेटा सोमारुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कॉर्ट थॉमस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी कॉर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वह एक जिम्नास्ट थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे कॉर्ट थॉमस, इन्होंने जिम्नास्टिक की विश्व चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और ये अमेरिका के थे, और इनका अभी निधन हो गया है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एराइज के साथ समझौता किया है? तो अभी इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और
एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए इराज के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये समझौता इसरो ने किया है, तो इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष के सीवन है। कौन है? के सीवन। और इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में G20 समूह ने COVID-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो अभी G20 समूह ने COVID-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है यहाँ पर G20 की, ये क्या है? तो G20 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपीय यूनियन मिला के बना है G20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AIM के साथ समझौता किया है। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। CSIR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 1942 को हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? तो अभी चेल्सी फुटबॉल क्लब को महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये थी अच्छी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।